माशाल्लाह मुबारक हो। खैर मुबारक। जो कैसे खाला है, उन्होंने तावन किया है और हर किस्म की तंगी मुसीबतों से महफूज रखे। और देखिए अबू भी आ गए आपकी हेल्प करने। फरमान भाई माशाल्लाह तकड़े हैं। ये देखें दरख्त, अब गौर से देख रहे हैं कितने प्यारे। पानी ने सुखाया है। इस पानी को पूरा सुखाते हैं। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ सालन को, तो अभी आई हूँ इसमें सालन देखने, तो बस थोड़ा क्या पानी रह गया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, फटफट होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, बिल्कुल हंसते मुस्कुराते रहे फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह से आपकी दुआएं हैं, हम भी ठीक हैं, अल्लाह ताला का करम है। और हम भी दुआ करते हैं जो बीमार अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिल अता फरमाए, जो बे औलाद अल्लाह पाक उनको औलाद नूरैना अता फरमाए, और जो बहन भाई मुश्किलात में अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात आसान करे, और जो भी बहन भाई हमें दिल से पसंद करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, अल्लाह पाक उन सबकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ पैदा करे और उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो आज कहते हैं व्लॉग स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो पूरी वॉच करनी है। हमारे साथ बेरासो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में बच्चे भी सब ठीक हैं। तो गोभी जो है मैंने दोपहर को काट दिया था, तो अभी मिसाला और आलू काट रही हूँ। आज बना रहे हैं गोभी और आलू की रेसिपी। तो इस्तियाना जो है ये छिलके है ना आलू के, वही ले गई है, वो भी कहती है कि मैं भी आज आलू बना रही हूँ। तो गोभी के छिलके जैसे हैं वो भी उठा के ले आई, तो अभी आई है कहती है कि मुझे प्याज दे दो, प्याज वाले छिलके ले गई। वो देखो वो हंस रही है। इस्तियाना बना ली, सालन बना लिया, कितना बना लिया? इस्तियाना का भी सालन दिखेंगे। हाँ इस्तियाना क्या बना रही हो आज? क्या बना रही हो? आलू गोभी। ये तो प्याज डाले हैं, इसमें और चीजें हैं? इसमें और चीजें डाली हैं? उधर फेंक दी, किधर? वहाँ से ले आए थे और डाल दिया है, आलू भी डाल दिए। हाँ ये आलू भी लग रहे हैं। अच्छा गोभी भी साफ डाला था, आज आलू गोभी बना रही हो? आज सिर्फ सालन बनाया, आटा नहीं गुना अभी? आटा गुना रखा है। अच्छा रोटी भी बनाओगी? चलो गाना सुनाओ। चलो अब दुआ करो, दुआ करो बहन भाइयों के लिए। चलो आप जल्दी जल्दी बनाओ ये गोभी, ठीक है? मेहमान आ रहे हैं, उनको देनी है, हमें भी दोगी? मेहमानों को दोगी? सबको दोगी? चलो फिर जल्दी बनाओ, ठीक है? अभी जब रोटी बनाओगी मैं फिर दिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है। मैं सारे की बुनाई कर रही हूँ, अभी प्याज डाला है, तो आज इंशाल्लाह ये देखिए काफ़ी टाइम बचा है, लगता है अभी अजान भी नहीं है। तो मैं सालन बना रही हूँ इंशाल्लाह आज के अंदर। यही कहता है कि पूरी रेसिपी दिखाया करो, तो आज पूरी दिखाएँ। तो ये देखिए मेरे प्याज की जो है कैसे बुनाई होती, बहुत खूबसूरत प्याज की जो है बुनाई हो चुकी है। तो अभी इसमें डाल रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर मुझे कम लग रहा है, तो एक टमाटर और भी डालती हूँ। दूसरा टमाटर ले आई हूँ, अगर किसी को टमाटर कम लगता हो ना और भी डाल देना कर मेरी तरह। तो
माशाल्लाह ये देखें बहुत खूबसूरत आज मुझे मसाला नजर आ रहा है। हाँ जी जनाब, फरमान साहब खैर है? ठीक हो? सेहत शुक्र अल्लाह पाक का। चैलेंज टोका कुतरा जा रहा है? हाँ जी। इसलिए आज आपके जिम्मे लगाया, वो रेसिपी पूरे दिखा रहे हैं ना आज। ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं आपकी मेहनत दिखाने आया था। अच्छा देखिए लड़के कैसे काम कर रहे हैं। कमरान भाई बोले घास दे रहे हैं तो देखिए अबू भी आ गए आपकी हेल्प करने। फरमान भाई मसले तकड़े हैं, थके हुए हैं यार, बड़ी देर से मार रहे हैं टोका। नहीं ये देखिए अभी इतना समा रहा है, ये अभी कुछ इनको कुतरने दे। फिर यार बुला रहे थे ना, मैं इसलिए आया, बार बार बुला रहे थे, हसीब नाराज हो रहा था, हम हमसे काम करवाते हैं। क्या यार ऐसी बात है, अभी इधर देखे फरमान भाई अभी एक पंड भी नहीं कुतरी, ये तो इंसाफ नहीं है ना। किसी ने नहीं है, वो कोई और बात कर रहे थे, वो खुद ही मेरे सामने कहा है। मैं खुद सुन रहा था उसे, अब उसे कहो जल्दी आओ जल्दी आओ, मैं उधर बैठा सुन रहा था। पानी लेने भैया इस ध्यान वो पानी का बोला हुआ था जल्दी आओ। हाँ शायद पानी के लिए बोल रहे थे, उसे बोला है वो नहीं गए तो आपको बुला रहे थे। मैंने कहा अभी तो एक पंड भी नहीं कुतरी इतनी जल्दी, मैंने ये समझा शायद कुछ टोके के लिए बुला रहे हैं। हम काम भी कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि रो रहे हैं। मैं तो यही समझा ना ये टोके के लिए बुला रहे हैं, मुझे क्या पता पानी के लिए। सियाना को पानी के लिए बुलाया ना तो फिर सियाना मुझे कहती है वो बुला रहे हैं। पैसों के लिए बोल रहे थे ना सियाना को बता रहे। टोका कर ले खर्चा देते हैं, अब पहले कभी नहीं मिला इनको, वो सियाना को इसलिए भेज रहे थे आपके पास। हर काम के डोनेशन लेते हैं, टोका कुतरने का खर्चा मिलेगा, कोई बात नहीं। चले चले कुतले माशाल्लाह, अब एक दो तीन चार बंदे हैं वैसे, अगर मेरी भी ज़रूरत पड़े तो मैं भी आ जाऊँगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हम कुतर लेंगे। नहीं फिर भी नहीं नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप जाओ अपना विरोध बनाओ। हाँ जी वो वहाँ पर मसाला डाल दिया होगा, चले मैं चलता हूँ वहाँ। लेकिन जी मवेशियों को चारा भी डाल दिया गया है, अभी अभी ऐसे अब नए चारा डाला है माशाल्लाह से। अब जो है भाई काम कर रहे हैं, और पहले जैसे 3 बजे वो अंडा भी खिला दिया था माशाल्लाह से, और अभी जो है घास डाला है, वो नीचे देखे थोड़ा थोड़ा सा भूसा नज़र आ रहा होगा। पहले अंडा खिलाया है, अभी घास डाला है माशाल्लाह से, बछड़िया बछड़ा खा रहे हैं, और उधर भी डाल दिया है, वो भी खा रहे हैं। वो देखे माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत प्यारे मवेशी हैं हमारे, गॉड डॉग है जी। हाँ जी इस्तिहाना इस्तिहाना, इधर देखो ऊपर देखो क्या बनाया जा रहा है, आटा गूंद रही हो, अब सालन बन गया। इधर ऊपर देख के बात किया करो, सालन बन गया। ये तो अभी पानी पड़ा है इसमें, पानी नहीं सुखाया, इस पानी को पूरा सुखाते हैं। अभी आपका सालन कच्चा है, ठीक है, अभी इसको फिर से पकाओ, ये पानी सारा साफ हो जाना चाहिए, फिर बनेगी आलू गोभी। ठीक है अभी रोटी शोटी के बस करो, बाद में बनाना रोटी, ठीक है, पहले ये सालन बना लो। चलो जी फिर से सालन चढ़ गया, आज लकड़ियाँ भी नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाला, कैसे बना रही हो आज, आज बेहतरी के बना रही हो, कैसा बोलो तो सही, क्यों परेशान हो? अच्छा सारा कुछ डाल दिया एक साथ। अच्छा बन जाएगा, अभी आटा गुना है। अच्छा बाद में रोटी बनाओगी, चलो चलो माशाल्लाह लगी रहो, ठीक है जल्दी बनाओ, शाम होने वाली है, भूख लगी है। ठीक है मसाला की जो है ये देखिए बुनाई हो चुकी है, तो अभी इसमें डाल रही हूँ गोभी। नीचे में मैंने डाला था और नमक भी डाल दिया था, तो बहन भैया को नहीं दिखा आपको, नज़र तो आ रहे हैं ये देखिए, तो अभी इसमें गोभी डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान
माशाल्लाह मेरे देश की जो है कम है और गोभी ज्यादा है। मैं भूल गई उस टाइम पतीले में बना लेती, तो कोई बात नहीं इसमें भी बन जाएगी। वैसे खुला बर्तन ना अच्छा होता है, कोई भी सालन बनाओ टाइम से बन जाता है और अच्छे तरीके बन जाता है। अगर इसमें धनिया होता ना कितना खूबसूरत लगता। तो जाते हैं पता नहीं क्यों नहीं लेके आते। शायद यहाँ मिलता नहीं, मिलता है और भावलपुर से मिलता है, धीरापखा मिलता है। यहाँ हमारा तो छोटा सा चक है, यहाँ तो कम भी सब्जी मिलती है, कभी कभी तो देखो सब्जी मिलती भी नहीं है। इसलिए हम बनाते हैं, कभी दाल बना लेते हैं, कभी आलू बना लेते हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर सब्जी मिलती है। अगर धीरापखे जाएँ भावलपुर जाएँ उतना पेट्रोल भी मिलता है ना, ऐसे गुजारा हो जाता है, गरीब बंदे हैं। इन्हें को नहीं देती नानी, तैरेगी तो पही होती है। सॉरी मैं उधर बात कर रही थी सराकी में। तो अभी जो है इसकी भुनाई जो है थोड़ी बहुत ही हो चुकी है, तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। एक आलू नीचे गिर गया, तो आलू भी मैंने डाल दिया है। तो साथ में जाके आटा गूंद रही है। तो जब तक मैं सालन की भुनाई कर रही हूँ, लकी आटा भी गूंद लेगी, उसके बाद जानवरों को पानी भी पिलाना है, चार पाया निकालना है। फिर अगर भाभी आ जाएगी तो दोनों मिलकर रोटी बनाएंगे, अगर नहीं आएगी तो शाम हो जाती है ना, इसलिए आज जल्दी में बना रहे हैं। तो जैसे हम मैं और दोनों मिलके ना, जैसे अभी काम कर रहे हैं ना, ऐसे मिलके रोटी बनाएंगे। जकिया से तो चार पाया नहीं उठाती ना, उसे नहीं चारती, तो मैं खुद उठाऊँगी। अंदर कमरे में होते हैं ना इसलिए नहीं उठाती। सालन तो बनता रहेगा, मैंने सोचा कि मौसम की सूरत हाल भी दिखा दें, आज का माहौल भी दिखा दें प्यारा सा। हाय हाय, गुड लुकिंग, नाइस, बहुत ब्यूटीफुल वेदर आ रहा है। ये देखें, वो सिस्टर बोल रहे थे कि दरख्त दिखाया करें, ये देखें दरख्त, अब गौर से देख रहे हैं कितने प्यारे। और साथ में बोल रहे थे कि वो दिखाया करें, वो तो है एक जंगल, क्योंकि वहाँ जाऊँ तो मैं क्या करूँ, बस यहीं से ही दिखा देता हूँ। वहाँ पर अकेला जाऊँ बात करते करते क्या, यहाँ चले कभी फिर भी दिखा देंगे। और फिलहाल तो अभी ये अपने ही दरख्त दिखा रहा हूँ, प्यारे से सब हरे भरे। माशाल्लाह जी, मेरी रेसिपी की जो है भुनाई हो चुकी है, ये देखिए। तो अभी इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी मेरा डल गया, तो अभी जाते हैं चार पानी। माशाल्लाह रोटी बनाई जा रही है, सालन बन गया, इसमें तो खाली है, कुछ नहीं है। अच्छा इधर डाल दिया, वो किस चीज़ का, चाय बनाई है। लो जी, सालन बना लिया, अब इसमें डाल दिया और चाय भी बन गई। वाह भाई वाह,
देखो फिर से चाय चढ़ा दी, रोटी बना लो पहले। स्याना ऊपर देखो, रोटी बना लो, चलो रोटी पकाओ पकाओ, रोटी बड़ी करो। आ तो रोटी बना रही हो, चलो आप कुछ बोलो भी सही। क्या करूँ 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 क्या करूँ। आज बाल किसने गुनवाए थे? आपके भाभी ने। इधर पीछे मुँह करो, कैसे बनाया बाल दिखाओ, पीछे दिखाओ, ऐसे दिखाओ। हाँ जी, आ तो घोड़े का पूछ बांधा है। आपके भाभी ने बनवाए थे, इसने बनवाए थे। वो देखो वो चार पाइया निकालने जा रही है। अरिया हाँ आप बना लो रोटी, रोटी बना रही है मजे की। चलो चलो बना लो, माशाल्लाह चाय भी दोगी। चार पाया जो है मैं निकाल रही हूँ, तो एक जो है मैं निकाल दिया है, वहाँ पर नानी बैठी है, तो अभी दूसरी ये है अबू की है। तो और भी निकालते हैं। ये इस्तिहाना की और अम्मी की, जरा का जब नाम लेता है ना वो हंसती है। चार पाया निकाल के फिर यहाँ आई हूँ, मैंने कहा सारण को देख लू, कहीं ऐसा ना हो छिप गया हो, तो इसमें अभी भी पानी है, तो अभी जाती हूँ, जानवरों को पानी पिलाते हैं, अगर सारण बन जाएगा तो इसमें उतार के तो फिर रोटी बनाते हैं। लगता है अजान हो गई है और रोटे भी बनाते हैं। असर के टाइम है। अच्छा तो अबू की एक अमानत थी, मैं उन्हें दे रहा हूँ। माशाल्लाह मुबारक हो। खैर मुबारक। जो कैसे खाला है उन्होंने तवन किया है और ये कुछ रकम भेजी है। आपको पता है कि घर के हालात हमारे कैसे चल रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, मेहरबानी शुक्रिया। वो यूके से खाला है, उनके बच्चे भी हैं, मतलब के फैमिली, उनके लिए दुआ करने है, आपने भी दुआ करने है, सब ने दुआ करने है, मैं भी दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें खुशियों वाली ज़िंदगी नसीब करें और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, उनके बच्चों की सेहत अच्छी हो और फरमा बदार नेक औलाद अल्लाह पाक अता फरमाए, उनके जो भी मुश्किल है अल्लाह पाक साहब आसान फरमाए, अल्लाह पाक उन्हें खुशियाँ खुशियाँ नसीब करें, उनके रोजे में मजीद बरकत अता फरमाए, और आप भी दुआ करते हैं। हम उन सिस्टर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की है। माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनके बच्चों को लंबी उम्र अता करे और उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और उनके हक कारोबार में बरकत अता फरमाए अल्लाह पाक, और हर किस्म की तंगी मुसीबतों से महफूज रखे। मेरी बेटी भी दुआ, बेटी भी दुआ कर रही है माशाल्लाह, आंटी के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और खुशियाँ ही खुशियाँ दे। चलो दुआ करो, पहले बोलना भी होता है। बोलो ऐसे ऐसे करके बोलो, बोलो ऐसे करके बोलो, या अल्लाह मेरी आंटी को लंबी ज़िंदगी दे। बोल बोलो। चलो माशाल्लाह दुआ भी हो गई, दुआ करती है। अब आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम उन सिस्टर का दूध के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनके घर में खुशियाँ नसीब करे और उनकी हर मुश्किलात आसान फरमाए, उनके घर में जो बीमार है उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा और ये बात कि आपने वो मोटरसाइकिल की किस्तें देनी है ना अभी पैसे की?
हाँ वो तो इकट्ठे करने हैं देने हैं। चले कुछ आप घर का इसमें खर्च चला सकते हैं, रोल के मेहरबानी है। हालांकि हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। हम पूरे घर वाले पूरी फैमिली हमारी टेंशन दूर हो गई, आपने हमारी हेल्प कर दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अब हम इंशाल्लाह कुछ बाइक के पैसे दे देते हैं, उनकी जिंदगी हम भी गुजारेंगे इंशाल्लाह, उनकी मेहरबानी है इंशाल्लाह।